तो दोस्त आज की इस वीडियो पे बात करेंगे, अगर कोई पुलिस केस है या कुछ और प्रॉब्लम है क्या उसके बाद जॉब मिल सकती है, ये पॉसिबल है कि आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो जाए अगर किसी के ऊपर क्राइम रिकॉर्ड है तो। तो दोस्त मैं बता दूं, अगर क्राइम रिकॉर्ड आपका, आप फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, कोई ABC कंपनी है, आप उसमें जॉब कर रहे हो, उसके बाद अगर आपका कोई क्राइम हो जाता है, बेसिकली होता क्या है कि तो आपकी जॉब आपने पहले ज्वाइन किया, BGB क्लियर हो गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इन केस अगर कुछ ज़्यादा बड़ा इशू होता है, जैसे कि मर्डर केस वाले होते हैं या कुछ और प्रॉब्लम होती है, इस तरीके का केस अगर होता है तो आपको मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत कम चांसेस होते हैं जॉब मिलने के। आपको मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब नहीं मिलती है इतनी आसानी से। अगर वहीं पे मैं बात करूँ एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की, तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में आपको जॉब मिल जाती है, हो गया कोई रिकॉर्ड हो गया तो जॉब ही नहीं मिलेगी कभी, ऐसा नहीं होता है। आपको स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा जॉब मिल जाती हैं, आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, अच्छे से होगा, लेकिन उसको एक फिर साइड में वो कंपनी रख देती हैं, क्योंकि मान लो 4 साल 10 साल हो गए उस रिकॉर्ड को, तो वो फिर एक साइड रख दिया जाता है क्योंकि वो बहुत पुराना हो जाता है। अगर रिसेंटली चल रहा होता है, जैसे केस वगैरह हो जाता है तो तारीख फिर जाना पड़ता है, इस तरीके का रिसेंट, फिर उस कंडीशन में आपको जॉब नहीं मिलती है। और मल्टीनेशनल कंपनी में चांसेस सिर्फ 1 या 2% आपके रह जाते हैं, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में आपको जॉब मिल जाती है। और जब ये 10 साल हो जाते हैं, 10 साल के ऊपर, जैसा लॉ एडवाइजरी में लिखा हुआ है, आप गूगल करोगे तो मिल जाएगा कि जब आपका केस 10 साल का ऊपर हो जाता है, यानी कि उसको 10 साल पुराना हो जाता है, तो फिर आपको मल्टीनेशनल कंपनी भी कंसीडर करने लग जाती हैं। बट अगर 2 साल 4 साल 5 साल तक, तो वो फिर MNC कंपनी कंसीडर नहीं करती हैं। और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में करंट पे ना चल रहा हो, बाकी आपके 6 महीने 1 साल हो गए हों, अगर आप आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपने वो पढ़ाई करी है और आप इंटरव्यू क्रैक कर दो, तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में आपको जॉब मिल जाता है, नो डाउट। और MNC कंपनी में आपको जॉब करनी है तो पहले स्मॉल ज्वाइन करो, स्मॉल ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे काम करो, और उसके बाद MNC पे अप्लाई करो, वहाँ पे इंटरव्यू दो, जो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा प्रीवियस कंपनी से हो जाएगा। क्या होता है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हो ना, और जब किसी नेक्स्ट कंपनी में जाते हो, तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वो इतना अच्छे से नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छे से नहीं होता, लेकिन आप फ्रेशर लेवल पे ज्वाइन करते हो उस टाइम बहुत ज़्यादा होता है अच्छे से, और जब आप एक एक्सपीरियंस बेस पे ज्वाइन करते हो तो BGB होता है, लेकिन इतना अच्छे से नहीं होता है, इतना तगड़ा नहीं होता है, वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं काफ़ी, और वहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है। अगर 10 साल के ऊपर हो गया है तो आप एक MNC में भी जॉब कर सकते हो, वो कोई सी भी मल्टीनेशनल कंपनी हो। तो बचा दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे इस पर कॉमेंट्स आ रहे थे कि अगर ऐसा है कोई पुलिस रिकॉर्ड है या कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो मतलब उसमें जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो इस तरीके मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ गए थे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो इसमें कि। तो बस यार दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत एंड बी सेफ।